चलिए बच्चों, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म की सेकंड क्लास हम लोग आज करेंगे। हाँ जी, इसमें से कौन कौन सी एसेट हैं जो पहले भेजी जाएंगी? एक, दो, तीन, चार, पाँच। हाँ या ना? तो एसेट तो यही वाली हैं। और लाइबिलिटी की मैं अगर बात करूँ तो एक, दो, पार्टनर कौन कौन है? तो ये नहीं जाएगा, ये तो पार्टनर ही है। मिसेज ए का लोन अभी आते हैं, पहले एसेट चेक कर लो ज़रा। अब बात लाइबिलिटीज़ की कर लेते हैं ज़रा। एक था, दो था, तीन था, और ये प्रोविज़न कॉम्प्लीमेंट्री है ना, ये तो जाएगा ही क्योंकि डेटर गया है। और वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व नीचे देखना पड़ेगा भाई, है क्या, कहाँ है? ओए फिफ्थ, उसका थोड़ी है। वर्कर का क्लेम कहाँ लिखा है? वर्कर का क्लेम है, कौन सा बोल रहा है? जो बोलता है ना वो चुप हो जाता है, कहता है मैं नहीं, तो कोई और ही होगा। अरे ये क्लेम कोई और है, कहाँ लिखा है? वर्कर का मालूम है कि ना। तो कितनी चीज़ें हैं? एक, दो, तीन और चार लाइबिलिटीज़ हैं जो यहाँ पर भेजी जाएंगी। जर्नल एंट्री क्या होगी? लाइबिलिटीज़ डेबिट टू रियलाइजेशन। ये हट गया, ये हट गया, ये हट गया, ये एंड ये सब चला गया है। बस जो बाकी चीज़ें रह गई उनका क्या करना है? कैपिटल अपने घर, ठीक है। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व फ्री है, ठीक है। कैश अपने घर, और क्या बच रहा है? एक का लोन, और ए का लोन सेपरेट रहेगा। कोई समस्या? देखिए जरा, चलें आगे। चलिए जरा, सबसे पहले वो वाली एसेट जो कैश में बिकी है, देखते हैं कौन कौन सी एसेट कैश में बिकी है। अपने पास कितनी है? पांच। हाँ जी, फिक्स एसेट कह रहे हैं, एक तो ये कैश में बिकी है, ठीक है, और स्टॉक। और बेटा डेटर्स के लिए देखो क्या लैंग्वेज क्या यूज कर रहा है, कह रहा है डेटर्स से 5,000 रुपये नहीं मिले, तो बाकी तो मिल गए। हाँ, तो ये इंफॉर्मेशन कैश वाली है, और कुछ है? बस चलो जरा इन्हें बेचो। आयुष, जर्नल एंट्री, कहाँ हो? बैंक टू रियलाइजेशन। तो इसमें लिखेंगे टू रियलाइजेशन और इसमें लिखेंगे बाय बैंक। आयुष जल्दी मत किया करो, आराम से बताओ। सन्ड्री एसेट, बताओ जरा, फिक्स एसेट से कितना मिला एंड स्टॉक से कितना मिला और डेटर से कितना मिला? फिक्स एसेट से मिला है 32 एंड स्टॉक से मिला है 55 और डेटर्स में कह रहा था पाँच नहीं मिले, तो 25 मिल गए। तो जो टोटल है बाहर आ जाएगा और यही टोटल यहाँ पर आ जाएगा। कोई समस्या? अपने पास कौन कौन सी एसेट बच गई है? फर्नीचर और गुडविल। देखो जरा किसी के बारे में कुछ कह रहा है? हाँ, ए ने फर्नीचर 20% कम पर ले लिया। रजत, जर्नल एंट्री, एज कैपिटल टू। गलती से फर्नीचर मत कर देना, क्यों? उसका लेजर बंद हो चुका है। तो जर्नल एंट्री की पोस्टिंग रहेगी टू रियलाइजेशन और ब्रैकेट में लिखेंगे फर्नीचर और यहाँ लिखेंगे बाय एज कैपिटल, ब्रैकेट में लिखेंगे फर्नीचर। कितने का लिया यार? 20% कम, तो इसका 20% यानी कि 4,000 कम कर दो, 16,000 हमारा इसके अंदर आएगा। कोई समस्या है? कोई और एसेट तो नहीं थी? अब गुडविल रह गई, गुडविल के बारे में कुछ कह रहा है? कुछ नहीं कह रहा, पर गुडविल तो एक इनटेंजिबल एसेट है, तो हम इसका कुछ नहीं करेंगे, ये अपने आप ही हमारे प्रॉफिट को। अगर ये कोई टेंजिबल एसेट होती और क्वेश्चन साइलेंट होता तो मैं इसे फुल वैल्यू पे इसके साथ रियलाइज कर लेता,
फुल वैल्यू पे, ठीक है ना? एसेट का काम खत्म हो गया, अब बात करते हैं लायबिलिटीज की। लायबिलिटीज में इसकी तो पेमेंट ही नहीं होती, एक दो और तीन लायबिलिटीज हैं बस जिनकी पैसे जाने हैं। देखते हैं किसके बारे में क्या कह रहा है। अभी इसकी बात मत करना, ये रियलाइजेशन का खर्चा है। कह रहा है क्रेडिटर्स को हमने कितने पैसे दिए हैं, 5% कम। हाँ, तो एंट्री होगी रियलाइजेशन टू कैश या बैंक, जो भी है आप देख लेना। रियलाइजेशन में टू बैंक और बैंक में बाय, और यहाँ लिख देना लाइबिलिटीज सेटल्ड या पेड। कितना बेटा, पक्का 38 आएगा। लो, क्रेडिटर्स गए अपने घर। अब रह गया बीपी और मिसेज ए का लोन, क्या कुछ कह रहे हैं। ये तो एसेट की इंफॉर्मेशन थी, इसके अंदर है ही नहीं। एक तो ये है, इसे थोड़ी देर में करना, पहले उन दोनों की बात करो। कुछ नहीं कह रहा, तो पे कर दो जितने की है उतने में ही। अगर क्वेश्चन किसी लायबिलिटी को लेके साइलेंट है तो लायबिलिटीज आर पेड एट देयर बुक वैल्यू। बुक वैल्यू जितने पर वो दिख रही हैं उतने पर ही पे हो जाती हैं। द रीज़न बीइंग, जब आप अपना बिजनेस क्लोज करते हैं तो कोई भी लायबिलिटी अनपेड नहीं छोड़नी, ठीक है ना। चलिए ज़रा, तो यहाँ पर हमें एक तो बीपी लेना है जो कितना है 10,000 का है, और एक मिसेज ए का लोन जो कि कितना है। तो बेटा टोटल यहाँ आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा बाय रियलाइजेशन, सॉरी कितना था टोटल, यहाँ आ जाएगा। कोई समस्या तो नहीं। और अनक्लेम जो हमारी थी वो बाकी लाइबिलिटीज की तरह पे हो जाएगी बेसिकली। सुनना, आपको एक बात पता है ना कि एक दो और तीन, जब हम इन तीनों को यहां लेकर आए तो आपको पता है ये भी अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी हो गई। क्यों? क्योंकि जैसे ही आपने इनके पर्सनल लेजर्स बंद कर दिए तो इनकी अपनी कोई पहचान नहीं है, तो आपने इन तीनों को यहां पर क्या किया, पे किया। अब क्वेश्चन कह रहे हैं ऐसा ही एक और लाइबिलिटी है। अब ये लाइबिलिटी बैलेंस शीट के अंदर तो नहीं थी, पर अब देखा जाए तो ये तीनों लाइबिलिटी भी बैलेंस शीट के अंदर नहीं है, तो जो ट्रीटमेंट इनका है सेम ट्रीटमेंट इसको देना है। मतलब रिकॉर्डेड लाइबिलिटी का भी हो या अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी हो, दोनों का ट्रीटमेंट ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन सेम रहता है। बात समझ आ रही है? तो टोटल आ गया उसकी, यहां पर अमाउंट आ जाएगा। अब खाली रियलाइजेशन के खर्चे रह गए, सॉरी कितने हैं, 3,000 जर्नल एंट्री, रियलाइजेशन टू बैंक, और बैंक में बाय रियलाइजेशन। प्रॉफिट दिख रहा है कि लॉस? हाँ जी, लॉस। आर यू श्योर? करो जरा कैलकुलेट करना, 2000 प्लस 40 प्लस 10 प्लस 16 112,000। बेटा यहाँ का टोटल आ रहा है 196, वहाँ का काफ़ी ज़्यादा लग रहा है मुझे। हाँ, यहाँ का काफ़ी ज़्यादा है, कुछ समय 2.5 लाख के आसपास का है, तो डेफिनेटली क्या मिल रहा है, लॉस मिल रहा है। तो लॉस को यहाँ पर बांटेंगे जर्नल एंट्री, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो टू रियलाइजेशन करके तीनों में बांट दिया जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, अब बात करते हैं सेटलमेंट की। अब क्योंकि ए का लोन है, अगर ये लोन अकाउंट नहीं होता तो सेटलमेंट हमें यहीं पर ही करनी है कि पैसे देने हैं या पैसे लेने हैं, वो देखना पड़ता। अब फिलहाल ए का लोन भी है तो आपको पहले ए का बैलेंस चेक करना पड़ेगा। इसका बैलेंस क्रेडिट है, हाँ या ना? और ए की कैपिटल का बैलेंस भी क्रेडिट ही है, तो क्या करूं? अबे क्या करूं, पहले लोन पे करेंगे तो यहां लिखेंगे टू बैंक, और बैंक में लिखेंगे बाय एज लोन। कितना है, 20,000।
उसके बाद तीनों की अगर मैं बात करूं, इसका बैलेंस भी क्रेडिट है, बी का बैलेंस भी क्रेडिट है और सी का भी, तो तीनों को पेमेंट ही तो करनी है। अब तीनों को पेमेंट कर रहे हो तो तीनों की पोस्टिंग आएगी यहाँ पर बाय ए इज कैपिटल, बाय बी इज कैपिटल और बाय सी इज कैपिटल। गलती से इन वाले अमाउंट को मत लेना, यहाँ पर ये वाले आएंगे जो पैसे दिए हैं,